आपका एट्रेटिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह बेबी कैप कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। इस बेबी कैप को हमने 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है। सबसे पहले जो ये स्टार्टिंग है ना, इसका मैंने एक डोरमेट बनाया है, उसी डोरमेट का जो है हमने कैप में कन्वर्ट किया है। तो इसे बनाने के लिए मुश्किल से इसमें 25 ग्राम ऊन लगे हैं, और यह जैसा कि मैंने कहा यह 6 मंथ बेबी के लिए है। तो आइए इसे कैसे बनाया गया है उसे देखें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये बनाना है। इसे मैंने कैसे बनाया है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसकी मदद से आप यहाँ तक बना लें। एक्चुअली में क्या है ना, यह एक डोरमेट का पैटर्न है, उसी को मैं अभी कैप में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ तक इसे बना लेने हैं, और बनाने के बाद अब मैं आगे का प्रोसेस क्रोशिया से बताऊंगी। ये हमने सलाई से बनाई है, और इसका जो है डायमीटर है 5 इंच का है, जो 6 मंथ के बेबी के लिए है। तो आइए अब इसे उठाने के लिए, यानी कि फंदे को हमें क्रोशिया से बनाने हैं। यहाँ देखेंगे ये हमने जो बॉर्डर बनाया है, इस बॉर्डर के बाद वाले स्पेस पे, यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का ये फर्स्ट जो रो है, उस रो पे हम इस तरह से फंदे को क्रोशिया से निकालेंगे, एक हुक बनाएंगे, और हुक बनाकर इसे इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ हमें देखना है ना कि यह जो लाइनिंग है, यानी ये उल्टे वाले फंदे की, इससे एक एक फंदे इस तरह से उठाने हैं। पहले मैं यहाँ पे 1 2 2 चैन बना लिया। अब इस पर यहाँ देखेंगे जस्ट इसके बगल वाले स्पेस पे जो ये उल्टे फंदे बुने हुए हैं, उससे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट इसके जस्ट बगल वाले फंदे पे, यानी हमें इस रो का जो है सीधे सीधे हमें जाना है इस तरह से। इसे मैं ऐसे मोड़ लेती हूँ तो हमें सुविधा होगी, और आसानी से हमें फंदे भी दिखेंगे। ये देखिए ये जो फंदे हमें दिख रहे हैं, यानी कि इस तरह से ये ऊंचे वाले फंदे जो हैं, उसी फंदे से हमें इसके बाद ये फंदा है, इस फंदा पे घुसाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट फिर इस फंदे पे इस तरह से हमें ये रो पूरा सर्कल पे हमें बना लेना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठा लेंगे इस तरह से। हमने ये देखेंगे 1 रो कंप्लीट कर लिया है। 1 रो कंप्लीट होने के बाद अब इसमें हमें जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए यहाँ देखेंगे हुक पे, तीसरे हुक पे डालेंगे, इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन 1 2 3 का चैन बनाएंगे, और जितने भी डबल क्रोशिया का हुक है ना, प्रत्येक हुक पे हमें इसे डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखिए प्रत्येक हुक पे हमें बनाएंगे, और बनाने के बाद हमें इसे 3 या 4 4 रो तक बना के, एक पट्टी जैसा 5 रो इस तरह से 4 5 तक बना के इसे एक पट्टी तक में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यह हमारा पट्टी जो है अंदर की ओर से तैयार हो जाएगा। मैं तैयार कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने ये 4 रो तैयार कर लिया है। 4 रो तैयार करने के बाद, यानी कि 4 राउंड हमने डबल क्रोशिया से यह बनाई। तो यह कुछ देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब ये सेंटर पर हमें कोई एक फ्लावर बना लेने हैं, और फ्लावर इस पर लगा देने हैं। से धागे लेंगे, धागे को उंगली पर 1 2 3 4 5 6 7 7 बार लपेटा, और फिर इसके अंदर से क्रोशिया को डालेंगे और इसे
इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इस पे इसके अंदर से धागे को निकालेंगे, इसे इस तरह से दबा कर रखेंगे और इस पे बाइंड करेंगे। अगेन इस तरह से हॉल के अंदर से डालने हैं, इसको इस तरह से रखना है और हमें सिंगल क्रोशिया से पूरे हॉल को यानी रिंग को हमें भर लेने हैं। इस तरह से करते हुए पूरे हॉल को भर लेंगे। इस तरह से यह पूरा रिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे लास्ट वाले हुक यानी जो फर्स्ट वाला हुक था उस हुक पर ले जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब करने के बाद फिर इस पर अगेन इस तरह से फंदे को लगाएंगे और यह जो हुक है इस हुक से हमें इस तरह से सिंगल क्रॉश डबल हाफ क्रॉशिया बनाना है। इस तरह से प्रत्येक रो पे यानी कि प्रत्येक हुक पे हमें हाफ डबल क्रॉशिया बना लेने हैं और इस तरह से यह सेकंड रो हमें कंप्लीट करने हैं। इस तरह से ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट हुक पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे और इस हॉल पे कोई पर्ल को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इस हॉल में एक इस तरह का हमने पर्ल को इस तरह से चिप सिल लेंगे। इस तरह से यह स्टिच कर लेंगे। यह हमारा बेबी केप तैयार हो गया। देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि यह साइज यदि हमें बड़ा करना है तो यहाँ जितने सारे फंदे हैं ना, इस फंदे को हम 5x5 के मल्टीपल पे बढ़ा लेंगे। और बढ़ाते हुए सिर्फ यहाँ फंदे ये जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट में हमें फंदे बढ़ाने हैं और बढ़ाते हुए हमें जितने एज के चाहिए उतने इसके बना लेने हैं। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।